राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज़। है हमारे साथ मौजूद हैं बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ, जो देश के एक बड़े बुद्धिजीवी भी हैं। हम इनसे समझते हैं कि एक आदिवासी दलित की बेटी ऐतिहासिक दर्ज की है, इस पर सर की क्या राय होगी? सबसे पहले मैं बहुत ही हार्दिकता से महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और ये भारत देश के लिए प्रसन्नता का विषय है कि एक आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला ने देश के शीर्षस्थ संवैधानिक पद को सुशोभित किया है। ये वास्तव में ऐतिहासिक है और गौरव का क्षण है हम सबके लिए। एक महिला भी है और एक आदिवासी महिला है। झारखंड के राज्यपाल के रूप में उनको हम लोगों ने बहुत ही आत्मीयता से अनुभव किया है और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के आयोजन के लिए उनको आमंत्रित भी किया था। दुर्भाग्य से समय खराब होने के कारण उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका, इसलिए वो नहीं आ पाई थी, लेकिन मुझे लगता है कि अगले किसी उत्सव में राष्ट्रपति के रूप में उनका बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में पदार्पण होगा और ये हम सबके लिए गौरव की बात होगी। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्य मूल्यवान होगा ऐसी अपेक्षा करता हूँ, आशा करता हूँ, विश्वास भी करना चाहिए। और ख़ास तौर से हिंदी भाषा और साहित्य के उन्नयन में उनका योगदान इस रूप में हो सकता है कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन विगत वर्षों से लगातार देश की एक राष्ट्रभाषा हो और वह हिंदी हो, लिपि देवनागरी हो, इसके लिए हम लगातार यत्न करते रहे हैं। राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी तथा दूसरे अन्य प्रांतों के माननीय मुख्यमंत्रियों और महामहिम राज्यपाल महोदयों से आग्रह किया जाता रहा है। मैं समझता हूँ कि जिस पद पर वो प्रतिष्ठित हुई हैं, हमारी इस मांग की पूर्ति में भी उनका ऐतिहासिक योगदान हो सकता है। राष्ट्रपति के परामर्श से प्रधानमंत्री जी सदन में प्रस्ताव ला सकते हैं, निर्णय लिए जा सकते हैं, और राष्ट्रपति का पद तो शीर्षस्थ संवैधानिक पद है देश का। अगर वो चाहेंगी तो हिंदी देश की राष्ट्रभाषा अवश्य हो जाएगी। सर, जब वो चुनाव के लिए आई थी तो उन पे तरह तरह के विवाद आए थे सर, इस पर बोला गया था कि वो मूर्ति के रूप में राष्ट्रपति में जाए, मूर्ति बनकर राष्ट्रपति के पद पर जाएंगे। सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर तो राष्ट्रपति बन चुके हैं देश का। नहीं, देखिए, राष्ट्रपति पद भारत का एक संवैधानिक पद है, शीर्षस्थ पद है, लेकिन भारत का के संविधान में जो उनको शक्तियाँ दी गई हैं, उन शक्तियों का उपयोग करके एक राष्ट्रपति अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए देश हित में आवश्यक निर्णय लेते हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कुछ करने में उनको कोई बाधा होगी और वो ऐसे निर्णय लेने में अक्षम सिद्ध होगी, ऐसा नहीं कहना चाहिए। और रबर स्टाम्प का जहाँ तक प्रश्न है, लोग कहते हैं, तो चूँकि कार्यपालिका प्रधान संविधान के अनुसार भारत का प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए कार्यपालिका संबंधी विषयों में राष्ट्रपति की शक्तियाँ मर्यादित हैं, ठीक है ना? तो अधिकारों का दुरुपयोग तो कोई नहीं कर सकता है, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, लेकिन रबर स्टाम्प कह करके असम्मानित नहीं किया जाना चाहिए। आप सुन रहे थे देश के बड़े बुद्धिजीवी और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ को। सर ने राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू से अपील किया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में अपना योगदान दें और बहुत जल्द उनको किसी बड़े कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की तरफ से। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र पटना से।